बबली अपने दो बच्चों बंटी और पिंकी के साथ रहती थी। दोनों बहुत छोटे थे। अच्छा बच्चों, अब मैं आपके लिए भोजन ले आऊं। आप घर से बाहर नहीं जाना, आपकी मामा जल्दी ही आ जाएंगी वापस। ओके मामा, हम यहाँ घर में ही रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे। बबली भोजन की तलाश में उड़ पड़ती है। बबली ऐसे ही उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक वीरान सी जगह में एक मधुमक्खी दिखाई देती है, जो कि मकड़ी के जाले के साथ फंसी हुई थी और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। बबली तो वैसे ही सबकी बहुत सहायता किया करती थी, फिर चाहे वो खुद ही मुसीबत में क्यों ना हो। इसीलिए बबली फौरन से मधुमक्खी को बचाने के लिए उसके पास चली जाती है। नमस्ते मधुमक्खी जी, आप यहाँ कैसे फंस गई हैं? मैं तो जैसे ही आपको देखा मैंने सोचा आपकी सहायता कर दूं। अरे बबली दीदी, मैं तो यहाँ फलों का रस लेने आई थी अपना शहद बनाने के लिए। यहाँ किसी मकड़ी ने बड़ा सा जाल बनाया हुआ था और मैं इसमें बुरी तरह फंस गई हूँ। आप ना आती तो ये मकड़ी मुझे खा जाती। अरे चिंता ना करें मक्खी दीदी, मैं अभी आपको इस जाल से निकाल लेती हूँ। बबली मधुमक्खी को उस जाल से अलग कर देती है और अब वो आजाद थी और उड़ सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मेरा नाम टिंकी मक्खी है। आप चले, मैं आपको अपनी मामा के साथ मिलवाती हूँ। वो मलका मक्खी हैं, आपको अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। अरे नहीं नहीं टिंकी मक्खी, मुझे जाना होगा, मुझे भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है ना। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनको बोल कर आई हूँ उनका भोजन लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अरे भोजन की चिंता आप ना करें, आप मेरे साथ चलें, हम आपको बहुत ज्यादा भोजन देंगे और आप वो काफी समय तक खा सकती हैं, इसलिए भोजन की चिंता तो आप ना करें। अच्छा तुम इतना कह रही हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ, इस तरह मैं मलका मक्खी को भी देख लूंगी। फिर टिंकी मक्खी चिड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। वहाँ सभी मधुमक्खियाँ थीं, उन सब में सबसे बड़ी मलका मक्खी थी। सारी मक्खियाँ उनकी खिदमत कर रही थीं। तभी टिंकी मक्खी मलका मक्खी को बोलती है, मामा ये देखें कौन आया है, ये बबली चिड़िया हैं। इन्होंने आज मेरी एक जहरीली मकड़ी के जाले से जान बचाई है और मैं इन्हें कहकर लाई हूँ कि आपको अपनी मामा से मिलवाती हूँ। अरे आओ आओ चिड़िया बहन, हमारे घर में पहली बार कोई पक्षी आया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कनीज, हमारी चिड़िया बहन के लिए फूलों का रस लाओ, इनको प्यास लगी होगी, ये हमारी मेहमान हैं। तभी वहाँ एक कनीज फूलों के शरबत का ग्लास भर कर ले आती है। बबली को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मलका मक्खी, आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं और उनको बहुत भूख भी लगी होगी और मैं ना गई तो वो भूखे ही मर जाएंगे। अरे चिड़िया, तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें बहुत सारा शहद देकर भेजेंगे ताकि तुम हमेशा हमें याद रखो। और फिर मलका अपनी कनीज को बोलकर चिड़िया को बहुत सारा शहद दे देती है। इतना सारा शहद देखकर तो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों ही बच्चों को शहद बहुत ज्यादा पसंद था। बहुत बहुत धन्यवाद मलका मक्खी, मैं कभी बाद में भी आपके पास चक्कर जरूर लगाऊंगी। बबली मधुमक्खियों का धन्यवाद करके वहां से शहद लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद उड़ते उड़ते वो अपने घर पहुंच जाती है, जहां बंटी और पिंकी उसका इंतजार कर रहे थे। मामा कहाँ रह गई थी आप, हमें बहुत डर लग रहा था, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी, शुक्र है आप आ गई हैं। मामा ये क्या लाई हैं आप? बंटी बेटा ये शहद है, मुझे एक मलका मक्खी ने दिया है। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है, जो कि बबली को साथ वाले जंगल में होने वाले मेले का न्योता देने आया था। नमस्ते चिड़िया दीदी, मैं आपको न्योता देने आया हूँ, साथ वाले जंगल में मेला है और आपने जरूर आना है। जी कालू भाई,
मुझे पता है, मैं तो कब से इस मेले का इंतजार कर रही थी। हम जरूर आएंगे। तभी कालू की शहद पर नजर पड़ जाती है। शहद? बबली दीदी, ये भला आपको कहां से मिला? वो भी इतना ज्यादा? ये तो बहुत मजे का होता है। जी कालू भाई, ये मुझे मलका मधुमक्खी ने दिया है। मैंने उनकी बेटी टिंकी मक्खी की जान बचाई थी ना, तो बदले में उन्होंने मुझे ये इनाम के तौर पर दिया। कालू बड़ी ललचाई हुई नजरों से शहद को देख रहा था। बबली, क्या मैं इसमें से थोड़ा सा खा लूं? मुझे बहुत पसंद है ये, बस थोड़ा सा ही खाऊंगा। जी जी कालू भाई, आप भी लें थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और फिर कालू उसमें से थोड़ा सा शहद खा लेता है। ये तो बहुत मजे का है दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप जरूर आना मेले में। कालू मेले का न्योता देकर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी शहद का ही स्वाद चल रहा था। कालू अपने घर चला जाता है। कितने मजे का था वो शहद, आज तक ऐसा शहद नहीं खाया मैंने कभी। बबली के तो मजे हो गए हैं। तभी कालू के अंदर का बुरा कवा उसे कहता है। कालू, सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है? या वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा? अभी जाओ और सारा शहद उठा लाओ, बबली तो इस समय सो रही होगी। और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन तभी कालू के अंदर का अच्छा कवा बोलता है। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। हर बार तुम ही मुझसे गलत काम करवाते हो। अब भाग जाओ यहाँ से, मैं तो सोने लगा हूँ। कालू ये कहकर सो जाता है, लेकिन उसे सपने में भी बस शहद ही नजर आ रहा था, और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा, अब उस शहद को चुराना ही पड़ेगा। वैसे भी बबली की तो मधुमक्खी सहेली है ना, वो उसे और दे देगी, लेकिन मुझ गरीब को भला कौन देगा? कालू ये बोलकर चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। उस समय बबली और उसके दोनों बच्चे सो रहे थे, और एक कोने में शहद पड़ा हुआ था, और उसके साथ ही आग भी जल रही थी। कालू ने जब सबको सोता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुआ और फौरन से शहद के पास पहुंच गया। लेकिन अभी वो उसको उठाकर बाहर जाने ही लगा था कि उसकी दुम को आग लग गई, जो शहद के पास ही जल रही थी। लेकिन कालू को लालच में बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आया। हाय, आग! बचाओ मुझे, ये देखो मुझे आग लग गई है, वो भी इतनी ज्यादा। कालू का शोर सुनकर बबली और उसके दोनों बच्चे जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू की दुम को आग लगी हुई है और कालू के पास शहद पड़ा हुआ है। बबली सब समझ जाती है, लेकिन कालू को वो कुछ नहीं बोलती और फौरन से उसकी दुम पर पानी फेंक देती है, जिससे आग बुझ जाती है। कालू भाई, आपको शहद इतना पसंद आया था तो आप मुझसे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी भला आपको? पता नहीं आप चोरी करने से बाज क्यों नहीं आते हैं। बबली, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इस बार चोरी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे अंदर के कव्वे ने मुझसे सब करवा दिया। कृपया करके मुझे माफ कर दो। कालू भाई, अच्छाई और बुराई हर जीव में होती है, हमें बस उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। ये शहद आपको बहुत पसंद आया है ना, ऐसा करें आप सारा ही ले जाएं, मैं और ले आऊंगी, लेकिन आइंदा चोरी ना करिएगा आप। सच्ची? हाय, बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा, पक्का वादा। और फिर कालू खुशी खुशी वो शहद लेकर वापस चला जाता है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और हमें अपने अंदर की अच्छाई और बुराई में संतुलन रखना चाहिए, वरना बुराई अच्छाई पर हावी होकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है।